बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आज जन्मदिन है। आज वो 30 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप ने इस बार अपना बर्थडे मनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप इस बार अपना जन्मदिन पटना के सरकारी आवास स्टैंड रोड में ही मनाएंगे। अपने जन्मदिन पर उन्होंने माँ राबड़ी, भाई तेजस्वी यादव, बहन मीसा भारती समेत परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप पहली बार अपना जन्मदिन अपने सरकारी घर से अलग सरकारी आवास में मनाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को 5 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले मंगलवार की शाम पूर्व बिहार और सीमांचल की 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग की मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित कर लिए गए हैं। बुधवार को मतदान कर्मी बूथों की ओर कूच करेंगे। हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। उधर प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं के बीच बुधवार को घर घर जाकर समर्थन की अपील करेंगे। 5 सीटों में कहीं सीधा तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बिहार में अगली चुनावी सभा 20 अप्रैल को सुपौल में होगी। वहां कांग्रेस की उम्मीदवार रंजीता रंजन है। उनकी दूसरी सभा 26 अप्रैल को समस्तीपुर में होगी। समस्तीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार हैं। सुपौल में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि समस्तीपुर में चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने रेडियम कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी को कैश लूट के गोली मार दी। 20 सड़क पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने कर्मचारी को सड़क पर दौड़ाकर गोली मार दी। लोग तमाशा देखते रह गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सासाराम रोहतास जिले के डेहरी में आग ने अपना कहर बरपाया है। डेहरी के देवरिया गाँव में भीषण आग लगी से 20 से अधिक झोपड़ियां जल गयी। देखते देखते किसानों के आंखों के सामने 100 बीघे का फसल जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि पड़ोस के गांव महादेव में किसानों ने अपने गेहूं काटने के बाद डंठल में आग लगाई थी। उन्हीं गेहूं के डंठल के आग देखते ही देखते देवरिया गांव तक पहुंच गई और गेहूं की खड़ी फसल को पकड़ लिया। देखते ही देखते पूरे गाँव का गेहूं का फसल राख में तब्दील हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो बिहार तक को सब्सक्राइब जरूर करें।